नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी मैथ नंबर वन में। आज मैं पुनः जो है एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ बात करेंगे। वो नया टॉपिक क्या है तो वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके पहले मैंने तीन वीडियो दिया है, उसको देखिए। पहला वीडियो सेट का परिचय दिए हैं, कंसेप्ट दिए हैं। दूसरा, सेट को कैसे संकेत के रूप में लिखा जाता है, उसके अवयव को कैसे लिखा जाता है। तीसरा वीडियो मैंने समुच्चय का दिया है। आज मेरा ये चौथा वीडियो है। ये चौथा वीडियो के माध्यम से आपको सिखाएंगे सम्मिलन। सम्मिलन कैसे निकाला जाता है। आज के बाद, इस वीडियो देखने के बाद, आपको सम्मिलन जिंदगी में कभी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको सिखाते हैं। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत है मुझे कमेंट करिए, मैं इससे भी ज़बरदस्त मेथड आपके साथ लेकर आऊँगा। इससे ज़बरदस्त मेथड होता भी नहीं है, लेकिन खैर आपको दिक्कत होगा तो कुछ और आइडिया अपनाया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे साथ हमेशा के लिए बने रहिए। इस चैनल के माध्यम से सिर्फ मैथ ही पढ़ाते हैं और मैथ के वीडियो देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। और इस चैनल पर क्लास 1 से 10 तक टोटल मैथ का वीडियो मैं चैप्टर वाइज दिया हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको भी सिखाइए कि क्लास 1 से 10 क्लास तक का फ़ायदा वो लोग भी ले सके और मैथ का कंप्लीट जानकारी उन लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित का सम्मिलन ज्ञात करें। सम्मिलन कैसे निकालते हैं, आइए। सम्मिलन को एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग करूँगा। सम्मिलन को इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। मैं बार बार यूनियन बोलूँगा, आप समझ जाइए। यूनियन बोलेंगे तो समझिएगा कि सम्मिलन की बात की जा रही है, इसलिए मैंने लिख दिया कि सम्मिलन को इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। अब इसके बाद पहले एक संकेत है, वो समझ लीजिए। सम्मिलन का संकेत यू होता है, माने ऊपर की तरफ। अगर ए और बी दो सेट है तो इसका सम्मिलन क्या होगा, ए यूनियन बी होगा, मतलब ए सम्मिलन बी। हिंदी थोड़ा सा लंबा है, इंग्लिश जानेंगे, ए यूनियन बी होता है, ए आपको याद रखना है। इस पर एक सवाल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर x बराबर 1, 2, 3 है, y बराबर क्या है, x बराबर 1, 3, 5 है और y बराबर 1, 2, 3 है। ये दोनों का सम्मिलन निकालना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सम्मिलन होता क्या है। जब दो या दो से अधिक सेटों को एक साथ जोड़ करके, एक साथ मिला करके एक नया सेट बनाते हैं तो उसी को सम्मिलन कहा जाता है। आइए कैसे मिलाते हैं वो सिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले ए दी x दिया है, y दिया है, इसको सम्मिलन निकालेंगे। तो मैंने बोला था x सम्मिलन y, मतलब ए x यूनियन y, मतलब ऊपर की तरफ, वहाँ बताए हैं। अब ये दोनों को मिक्स करेंगे तो 1, फिर इसमें का 2, चूँकि एक के बाद 2 ही आता है, उसके बाद 3, 3 के बाद 4 आता है, तो 4 तो इसमें है ही नहीं है, 5 आता है। अब 3 को इसमें भी है, इसमें भी है, ये नहीं कि 3 इसको भी लिख देंगे इसको भी नहीं। सेट का एक अपना नियम है कि एक अंक रिपीट करता है तो उसको एक ही बार लिखा जाता है। अभी ना कि हिमें एक भी है, एक हिमें का, तो हिमें का 1, 1 लिख देंगे, फिर इसमें का 3 है, इसमें का 3 है, तो 2 को 3 लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको कॉमन होगा उसमें से एक ही लिखना है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, इसी तरह से सेट ए है, सेट बी है, दोनों का यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी दोनों को मिला दीजिए, ए बी सी, उसके बाद आई लिख देंगे, यू ई लिखेंगे, उसके बाद आई लिखेंगे, ओ लिखेंगे, यू, दोनों को फिट दीजिए, यही तो आपका सम्मिलन हुआ। इसके बाद भी कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करिए और आपको जानकारी मैं ज़रूर दूंगा। शुक्रिया आपको इस वीडियो को अंत तक।